एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रैन वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन। और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग, जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरोलिनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन। और इस मूवी के स्टारिंग है नाओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी। इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंगनट फिल्म्स। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स। और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एज एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एज कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एज जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एज कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एज प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एज जिमी के रोल में और इवान पार्क एज बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एज चोए के रोल में और कैली चैंडलर एज ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एज सर हर्ब के रोल में और क्रैज हॉल एज माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एज मैनी के रोल में और मार्क हैडलू एज हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एज टोट रिपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल
पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंजर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने करतब और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉल अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किए हैं जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंगनट फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू
ज़ीलैंड में रिलीज हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रीकोल के रोल में और थॉमस क्रिस्टमैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रीस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमय खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है, जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है। लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर
खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours and 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किए हैं जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स। और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यूजीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 minutes, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 million रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सैरकिस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेम्बर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर
कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंगलहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने करतब और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंगलहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणामस्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉन्ग अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours and 7 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किए हैं जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सैरकिस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लेहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जिमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर
हर्ब के रोल में, और क्रेज हॉल एज माइक के रोल में, और विलियम जॉनसन एज मैनी के रोल में, और मार्क हेडलू एज हैरी के रोल में, और जेड ब्रोफी एज टोट रीपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस मूवी इस फिल्म की फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्ग इस मूवी की किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस पैक्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है, जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है, और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है। लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं, और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम सिर्फ हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉल अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसका लेंथ 3 hours and 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की
इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, एडगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरोलिनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नाओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किए हैं जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लेहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जिमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोय के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है।
हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने करतब और नृत्य कौशल के साथ कोंग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लहर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्सटेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटेहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कोंग हमले करता है, जिससे वे एक खड्डे में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours and 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये मूवी 5 December 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 December 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 December 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 minutes और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 million रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सैरकिस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लेहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जिमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोय के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हैडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेम्बर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल
पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉल अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours 7 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी। इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स। और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू
ज़ीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रीकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रीस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोय के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेम्बर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है, जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है। लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और बूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर
खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours and 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 million रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सैरकिस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एज एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एज कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एज जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एज कैप्टन इंग्लेहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एज प्रीस्टन के रोल में और जेमी बेल एज जिमी के रोल में और इवान पार्क एज बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एज चोए के रोल में और कैली चैंडलर एज ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एज सर हर्ब के रोल में और क्रैज हॉल एज माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एज मैनी के रोल में और मार्क हैडलू एज हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एज टोट रिपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत SS वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज़ कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर
कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंगलहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंगलहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्डे में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours 7 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंगनट फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सैरकिस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लेहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जिमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोय के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर
हर्ब के रोल में, और क्रेज हॉल एज माइक के रोल में, और विलियम जॉनसन एज मैनी के रोल में, और मार्क हेडलू एज हैरी के रोल में, और जेड ब्रोफी एज टोट रीपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस मूवी इस फिल्म की फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्ग इस मूवी की किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्ला हॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्ला हॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्ला हॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्ला हॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्ला हॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्ला हॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैस की मृत्यु हो जाती है और कॉल अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours 7 मिनट है। तो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स किंग कॉन्ग ये 2005 की
इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रैन वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, एडगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरोलिनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नाओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीस ने, इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंगनट फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नाओमी वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रीकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लेहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रीस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमय खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है।
हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कोंग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लहर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटेहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कोंग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सैरकिस, और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किया है जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यूजीलैंड में रिलीज़ हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 minutes, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 million रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सैरकिस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रैज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेम्बर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल
पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमयी खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंजर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉल अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours 7 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किया जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंग नट फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू
ज़ीलैंड में रिलीज हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रीकोल के रोल में और थॉमस क्रिस्टमैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रीस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमय खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है, जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है। लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने करतब और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्स्टर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्स्टर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में
खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours and 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किए हैं जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंगनट फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर हर्ब के रोल में और क्रेज हॉल एस माइक के रोल में और विलियम जॉनसन एस मैनी के रोल में और मार्क हेडलू एस हैरी के रोल में और जेड ब्रोफी एस टोट रिपन जो कि अपेयर्ड हुआ था इस फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमय खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है, लेकिन जहाज़ कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर
कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और भूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंगलहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंगलहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉर्ड अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसका लेंथ 3 hours and 7 minutes है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.2 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग ये 2005 की इपिक एडवेंचर मॉन्स्टर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं पीटर जैक्सन, स्क्रीन प्ले दिए हैं फ्रान वॉल्स, फिलिपा बोयंस, पीटर जैक्सन, और ये मूवी बेस्ड है किंग कॉन्ग जो कि मैरियान सी कूपर, इडिगर वैलेक की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जैन ब्लैंकिन, कैरलोइनी कुनिंगम, फ्राना वॉल्स, पीटर जैक्सन, और इस मूवी के स्टारिंग है नेओमी वॉट्स, जैक ब्लैक, एड्रीना ब्रोडी, थॉमस क्रिट्समैन, कोलाइन हैंक्स, जिमी बेल, एंडी सर्किस, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है एंड्रयू लीसनी, इस मूवी को एडिट किए हैं जैमी सेलकर्क, म्यूजिक दिए इस मूवी में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सल पिक्चर्स, विंगनट फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स, और ये मूवी 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज हुई और 13 दिसंबर 2005 को न्यू जीलैंड में रिलीज हुई और 14 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 188 मिनट्स, और ये न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $207 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $562.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, किंग कॉन्ग इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में एंडी सर्किस एस कॉन्ग के रोल में नजर आए और नोइम वॉट्स एस एनी डैरो के रोल में और जैक ब्लैक एस कैरल डेनहम के रोल में और एंड्रीन ब्रोडी एस जैक ड्रिकोल के रोल में और थॉमस क्रिट्समैन एस कैप्टन इंग्लीहॉर्न के रोल में और कोलाइन हैंक्स एस प्रिस्टन के रोल में और जेमी बेल एस जीमी के रोल में और इवान पार्क एस बेंजामिन के रोल में और लोम्बो चैन एस चोए के रोल में और कैली चैंडलर एस ब्रूस बैक्स्टर के रोल में और जॉन समर एस सर
हर्ब के रोल में, और क्रेज हॉल एज माइक के रोल में, और विलियम जॉनसन एज मैनी के रोल में, और मार्क हेडलू एज हैरी के रोल में, और जेड ब्रोफी एज टोट रीपन, जो कि अपेयर्ड हुआ था इस मूवी इस फिल्म की फिल्म में एज अ क्रू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्ग इस मूवी की किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान न्यूयॉर्क शहर की अभिनेत्री एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कॉल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्टर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा है। एन को पता चलता है कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के तहत एसएस वेंचर पर फिल्म का सिनेमाटोग्राफी होता है और कॉल के ढोंग के तहत यह सिंगापुर के लिए रवाना होगा। सच में कॉल रहस्यमय खोपड़ी द्वीप पर जाने और फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंग्लाहॉर्न के पास यात्रा के बारे में दूसरी विचार है, जो उनके चालक दल की आगे की परेशानी की अटकलों से प्रेरित है। यात्रा पर एन और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एंग्लाहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेश की अवहेलना के कारण कार्लन की गिरफ्तारी का वारंट है, और एंग्लाहॉर्न को रंगून की ओर मोड़ने का निर्देश देता है। लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और खोपड़ी द्वीप पर चक्कर लगाता है। कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन, अभिनेता ब्रूस बैक्स्टर और बूम ऑपरेटर माइक सहित कर्ल और उनके फिल्म चालक दल द्वीप का पता लगाते हैं, और माइक और अन्य चालक दल को मारने वाले मूल निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। एंग्लाहॉर्न फिल्म चालक दल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे ही वे पानी छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक देसी जहाज पर घुस जाता है और एन का अपहरण कर लेता है। मूल निवासी एन को किंग कॉन्ग को बलिदान के रूप में देते हैं, जो 25 फुट लंबा यानी कि 7.6 मीटर बंदर है। जैक एन के लापता होने की सूचना देता है और चालक दल द्वीप पर लौट आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉन्ग एन के साथ जंगल में भाग जाता है। कॉल्ड कॉन्ग को एक झलक पाने का प्रबंधन करता है और उसे फिल्म में कैद करने के लिए दृढ़ हो जाता है। हालांकि शुरू में अपने कैदी से घबराई हुई थी, एन ने अपने कर्तव्य और नृत्य कौशल के साथ कॉन्ग को जीत लिया और अपनी बुद्धि और भावनाओं की क्षमता को समझाना शुरू कर दिया। एंग्लाहॉर्न अपने पहले साथी एस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और कर्ल हर्ब बैक्सर और प्रोस्टेन के साथ पार्टी एम्पटोसर्स जैसे ब्रोस्टर्स बैक्स्टेरी के झुंड के बीच पकड़ी जाती है और यूटहैप्टर जैसे वेंटरसोर्स सेविडिक्स का एक पैकेट उनका शिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागदौड़ में हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्सर और कुछ पुरुष जहाज पर लौटने के लिए समूह छोड़ देते हैं। शेष पार्टी के सदस्य जंगल के माध्यम से जारी रखते हैं जब कॉन्ग हमले करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेस की मृत्यु हो जाती है और कॉल अपना कैमरा खो देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको किंग कॉन्ग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये 2005 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसका लेंथ 3 hours and 7 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को भी देखते रहें।